ज्वालामुखी मंदिर न्याय पहले कई बार सुर्खियों में रहा है। विधानसभा चुनावों से पहले ज्वालामुखी भाजपा ने कई बार मंदिर में हो रही गड़बड़ी पर सवाल उठाए थे। ज्वालामुखी भाजपा ने तो विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे को खूब भुना था। अब जब ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत हुई है और रमेश धवाला भाजपा से विधायक बने हैं, तो विधायक अब मंदिर न्यास में हुए घपलों पर कार्यवाही करने की मांग प्रदेश सरकार से कर चुके हैं। ज्वालामुखी के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ने इस मुद्दे पर कहा कि भाजपा ने पहले ही रुख साफ कर दिया था कि ज्वालामुखी मंदिर न्याय से जरूरतमंदों एवं गरीब लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन मंदिर न्याय ने जिनकी बेटियां नहीं उनकी शादी के लिए आर्थिक सहायता दी है। सेना के जवानों की विधवाओं को भी आर्थिक सहायता दी है, जबकि उनको सरकार से पहले ही पेंशन का प्रावधान है। धवाला ने आरोप लगाया है कि मंदिर के विकास कार्यों में भी गड़बड़ी हुई है और उनकी भी चीफ इंजीनियर जल्द जांच करने वाले हैं। विधायक रमेश धवाला ने कहा कि मंदिर न्यास में हुई गड़बड़ियों को जल्द जनता के सामने लाया जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। वही होगी, उसकी इंक्वायरी होगी और जब तक वो हम तय तक नहीं पहुंचते हैं, सारी की सारी छानबीन जो है कुछ दिनों के बाद, एक दो दिनों के बाद यहाँ पे चीफ इंजीनियर आ रहे हैं, जो विकास के काम है, जो ये सिविल के वर्क है, सिविल के वर्क की भी इंक्वायरी होगी और हमारे पास जो तथ्य है, हमारे पास जो प्रमाण है, जिस जिसको पैसे दिए, हमारा कोई पहले से भी ऐसी कोई विचारधारा जो है वो बिल्कुल नहीं थी कि जी क्यों पैसे दिए जा रहे हैं। अरे भाई, जो नीडी है, जिनकी लड़कियों की शादी है उनको पैसे दिए जाए, लेकिन जिनके घर पे कोई लड़की नहीं थी और फौजी जो थे उनकी पत्नियां जो विडो हैं उनको भी पैसे दो, तो सरकार से मदद मिल रही है तो उनको भी 40-50 हजार रुपया दिया, उसकी पूरी इंक्वायरी होगी, दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो होगा। ऐसा